Introducing the unique bike session. जी हाँ, the unique bike session. This unique bike session is all for you guys because जो आपके पास bikes हैं वो आपके लिए हैं, ये एक unique और वो इसी के साथ हमारे लिए भी हैं एक unique. और इस unique bike session की जो खास बात है, जो main बात वो ये है कि इस session में हम एक particular bike पर एक उसकी modification accessories के बारे में हम discuss करेंगे. और उसके के साथ साथ जो आज की जो खास बात ये है कि आज जो यूनिक बाइक सेशन का पार्ट वन के अंदर हम बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर बाइक के बारे में बात करने वाले हैं. उस बाइक का नाम है ये. V 3.0 वर्जन, उसके बारे में डिस्कस करने वाला. बड़ी ही पावरफुल बाइक है, 155 सीसी की बाइक है और उसकी सारी मॉडिफिकेशन एसेसरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे V 3.0 को और अच्छा मॉडिफाई किया जा सकता है. तो मेरे R15 राइडर्स और मेरे बाकी कैजुअल राइडर्स जो अलग अलग बाइक्स के ऊपर हैं, कुछ उनकी आइटम्स भी सेम होंगी क्योंकि यूनिवर्सल मॉडिफिकेशन भी कुछ आती है हमारे पास. तो ये सब जानना है तो आपको बैठना है कुछ मिनटों के लिए खाली, बजानी है सब्सक्राइब बटन की लाली विद द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग माय चैनल व्हिच द गॉड ऑफ सोनम. गुड मॉर्निंग गाइस टू माय दिस न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल. एंड इस वीडियो की जो खास बात है उसको शुरू करते हैं, जो कि है V 3.0 की मॉडिफिकेशन एसेसरीज के बारे में. सो गाइस, एज यू नो, आई जस्ट शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम माय गोडाउन राइट नाउ बिकॉज अभी स्टोर पे हमारे जो कस्टमर्स बहुत सारे हैं तो वहाँ पर हम शूट नहीं कर पा रहे. बट इस एसेसरीज के बारे में भी बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है. सो गाइस, बेसिकली हमने जो ये एसेसरीज की है उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है बिकॉज जो कुछ होते हैं जिनको कुछ एसेसरी लगाना पसंद होता है, कुछ होते हैं जिनको फुल मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी लगती है. जो कुछ वाले हैं और जो बहुत वाले हैं, हमने दोनों के लिए ही एक बड़ी अच्छी एक बढ़िया कंक्लूजन निकाला है दैट वी डिवाइड दिस एसेसरीज इन टू कैटेगरीज, फर्स्ट द बेसिक वन एंड सेकंड द एडवांस वन कैटेगरी. सो पहले हम बेसिक वन कैटेगरी के बारे में जल्दी डिस्कस कर लेते हैं. सो गाइस, बेसिक कैटेगरी की जो पहली आइटम जिसको हमने V3 मॉडिफिकेशन के अंदर डाला है, वो एक ऐसी चीज है जिससे आपकी बॉडी पे नहीं लगेंगे कभी स्क्रैच, ना आएगी कभी डस्ट, क्योंकि आपकी नई बाइक है और यूनिक है. तो यूनिक बाइक को प्रोटेक्ट करना उतना ही हमारे लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूसिंग द R15 वाटर प्रूफ रेन कवर्स. लेट्स हैव अ लुक. जैसा कि आपने देखा, दीज आर कॉल्ड वाटरप्रूफ रेन कवर्स और ये भी वैसे ही यूनिक है जैसे कि आपकी बाइक. और ये सारे बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि आपने बेसिकली देखा है जितनी भी कोई भी एसेसरीज की बात आती है, जो कि हम एडवांस में बात करेंगे, वो एसेसरीज लोग अपनी बाइक्स के अंदर लगा के दिखाते हैं जो कि फिर उसके बाद यूज बन जाती हैं और वही यूज उठाकर आपको दे देते हैं. तो ऐसा काम हमारे यहाँ नहीं होता. जैसे यू नो वेरी वेल माई स्टोर, आई एम अ होलसेलर एंड रिटेलर बोथ. तो हमारे पास सिर्फ फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं इसलिए आपको उनकी इमेजेस दिखा रहा हूँ, उनकी फोटोज दिखा रहा हूँ जो कि हमने कैप्चर करी थी लास्ट नाइट. और अब उसके बारे में आगे बात करते हैं. बेसिक कैटेगरीज के अंदर कैटेगरी जो टू आती है वो है हमारे सीट कवर्स एंड सम सीट काउल्स ऑल्सो, क्योंकि जिनको सीट काउल्स पसंद है उनके सीट काउल है, जिनको सीट कवर पसंद है उनके सीट कवर है. लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट. बात आई है बेसिक कैटेगरी थर्ड के बारे में और बेसिक कैटेगरी में लास्ट आइटम थर्ड क्योंकि बेसिक है. एंड हमने आप
कि बाइक के अलावा आपका भी बहुत ध्यान रखा है इस कैटेगरी को लेकर, इस सी एसेसरी को लेकर, बिकॉज वी आर शोइंग यू द R15 हेलमेट्स। जी हाँ, द R15 हेलमेट, द R15 यूनिक हेलमेट विच इज मेनली मेड ओनली, मतलब देयर दैट ग्राफिक्स इज ओनली मेड फॉर R15 राइडर स्पेशली 3.0। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट। विद रेनबो गॉगल इनसाइड हेलमेट। मैं इसके बारे में एक खास चीज बता दूं कि जो इसके अंदर, जो अंदर का रेनबो गॉगल लगा है, बाहर इसके अंदर पीसी वाइट वाइजर है और अंदर इसके अंदर मिलेगा आपको रेनबो गॉगल वाइजर। तो रेनबो गॉगल वाइजर की जो बेनिफिट है वो ये है कि ड्यूरिंग द समर स्पेशली जो सन रेज होती है उससे आपकी आइज बहुत प्रोटेक्ट होती है। तो अब गाइज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एडवांस एसेसरीज। जी हम एडवांस एसेसरीज की अब बात शुरू करने वाले हैं। सो एडवांस एसेसरी की जब हम बात करें तो एडवांस एसेसरी की जो पहली आइटम जो है वो हमने एक प्रोटेक्शन को लेकर ही बात करी है, तो आपकी बाइक की प्रोटेक्शन की, दैट इज द फ्रेम स्लाइडर्स। जी हाँ, द फ्रेम स्लाइडर्स। फर्स्ट हैव अ लुक ऑफ दैट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट। We like the sun and moon, we like to see each other shining bright. We have tonight, tomorrow and the other days that follow. We have to try to make. अब हम बात करेंगे अपने पहले प्रोडक्ट फ्रेम स्लाइडर की, कि व्हाई वी इट्स नेसेसरी टू वी हैव फ्रेम स्लाइडर, नॉट फॉर, इट्स ओनली फॉर अ लुक, नॉट एट ऑल, नॉट फॉर अ लुक। क्योंकि मैं आपको एक अपने एक राइडर के कमेंट से पढ़वाता हूँ जिनको हमने फ्रेम स्लाइडर्स दिए थे बहुत पहले, क्योंकि हम थोड़ा बहुत रिटेल भी करते हैं ओनली फॉर अवर राइडर्स। सो गाइज ये हमारे एक सौरभ शुक्ला जी हैं, इन्होंने क्या लिखा था शायद से वो कैमरे में बताना चले, मैं आपको रेड आउट करके बताता हूँ। इन्होंने लिखा था कि आई हैव एन एक्सीडेंट ऑन अ रोड एंड ड्यू टू दिस फ्लेम स्लाइडर आई माई बॉडी माई बाइक बॉडी डजन हैव एनी टाइप ऑफ स्क्रैच एंड ऑल एंड आई एम ऑल्सो बी सेफ। सो वेन आई रेड दिस कमेंट इट्स वेरी एंड आई जस्ट फीलिंग वेरी गुड फॉर दैट कि वी आर जस्ट सेलिंग दिस प्रोडक्ट विच मेनली सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड द बाइक लाइफ टू। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड थैंक यू सौरभ शुक्ला फॉर दिस कमेंट। और उसके बाद हमारे जो फेसबुक का ग्रुप था स्पोर्टी बाइक राइडर, उसमें थोड़ा धमाल मच गया था। सो सौरभ शुक्ला जी थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब हम इसी के साथ अपने अगले अच्छा इस फ्रेम स्लाइडर की बात बताऊँ, तो ये फ्रेम स्लाइडर मेनली आपके इंजन फेंसिंग को प्रोटेक्ट करता है जो आपकी बाइक पे लगी होती है, और आपकी बाइक कभी पॉप नहीं होती, और कभी आपने पार्क करी हो साइड स्टैंड उसका हट जाए तो वो गिरेगी नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ फ्रेम स्लाइडर्स। और इस फ्रेम स्लाइडर के अंदर जो आपने दो कैटेगरी देखी, दोनों है इसमें, एक सर्कमफेरेंस वाइड है, सर्कमफेरेंस लूज वाला है। इसको आप अपनी सिर्फ R15 के लिए नहीं, अपनी बाकी स्पोर्ट बाइक जैसे KTM वगैरह आती है उनमें भी यूज कर सकते हो। तो एक के साथ दो का फायदा मैंने दोबारा करा दिया, जैसे मैं हर वीडियो में कराता रहता हूँ। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरी की। तो नेक्स्ट एसेसरी है जो कि सिर्फ R15 के लिए ही स्पेशली एप्लीकेबल है, दैट इज द R15 विंडस्क्रीन, या इन आसान भाषा में विंडशील्ड। ये तो थी इसकी डिजाइनिंग, नाउ आई एम शोइंग यू द क्वालिटी ऑफ दिस वाइजर, लेट्स हैव अ लुक। तब तक मैं भी लूं। सो गाइस यू आर वाचिंग द वीडियो ऑफ माय स्टोर राइट नाउ, इट्स थ्रोबैक 2020 एंड वन ऑफ माय कस्टमर इज कमिंग ऑन माय शॉप, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि इस वाइजर की क्वालिटी, जो मैंने विंडस्क्रीन दिखा रहा था और ये एक हमारी होलसेल की पार्टी थी हमारे तमिलनाडु की, वो हमसे पूछ रहे थे कि ये विंडस्क्रीन की क्वालिटी कैसी है। तो उस वक्त मैंने इसको ऐसे ब्रेक करके दिखाया था, और ऐसे मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत इसमें तोड़ने की, बट इट नॉट ब्रेक। तो इससे पता चलता है इट्स ऑफ अनब्रेकेबल क्वालिटी, द PC वाइजर क्वालिटी। या तो गाइज ये विंडशील्ड विंडस्क्रीन थी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे एंड आई डोंट टेल यू, लेट्स हैव अ लुक। Fact, not R15 riders, all the riders of every bike, they want these mirrors to be fit installed in their bikes. Of course, because it's a universal mirror, I tell you, not for R15, it's for everyone. Go bhi alag, matlab jaise ke paas KTMs hain, kis paas aur bhi koi sport bike ke paas hai, they
दे कैन ऑल्सो यूज दैट थिंग. अब तीन बंदों का फायदा हो गया एक साथ, ठीक है ना, तीन मतलब तीन लोगों का, सिर्फ आर एम फाइव राइटर्स के लिए नहीं, तीनों के साथ, तीनों का फायदा हो गया इस चीज़ से. और ये मिरर से जो आपने देखा फ्रंट से आपको एरो शो करते हैं और बैक से ये पूरी लाइटिंग शो करते हैं. इट्स लुकिंग वेरी अमेजिंग आई टेल यू, एंड इट्स हेल्प योर बाइक टू बी लुक स्पोर्टी. एक वाइजर हेल्प करता है जो कि आपको विंडशील्ड, आई मीन जो आपको दिखा दिया, एंड दिस वन इज ऑल्सो हेल्प फॉर दिस सुपर लुक. सो अब बात करते हैं अपने अगले आइटम की. अगले आइटम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई राइडर्स की ये थोड़ी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि वी कांट इंस्टॉल द फॉग लैंप्स इन अवर स्पोर्टी बाइक, स्पेशली R15 V3, वी कांट इंस्टॉल, हाउ कैन वी. तो यार अब उनका सोल्यूशन आ चुका है, जो भी ये सोच रहे थे उनका सोल्यूशन आ चुका है, बिकॉज इट्स अ सीट कवर हाउस. माई स्टोर नेम इज सीट कवर हाउस. सो यहाँ हर चीज का है समाधान. तो आप देखिए कैसे हमने इसकी समाधान को ख़त्म किया. ये एक मेरे राइडर की ही वीडियो है, इनका नाम है मिस्टर ऋषभ सर. सो ऋषभ सर की वीडियो है, उन्होंने ये इंस्टॉल करे थे फॉग लैंप्स, और उन्होंने पूरी वीडियो बनाई थी जब इंस्टॉल करते, हमारी शॉप से परचेज की किया था, और खुद ही इंस्टॉल करते हैं ऑलमोस्ट. तो मैं आपको वीडियो दिखा. I love like a fire, no fears, no denial, just something to gladden me. I feel electricity, your lighting is guiding me. I feel that I like it, no place we can hide, it's so hard not to find it. फॉग लैंप का फ्रेम भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसी के साथ जो फॉग लैंप्स के अंदर लगे थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, वो भी हमारी शॉप के हैं. और अगर आपको फॉग लैंप्स पे ऐसे बहुत अलग अलग डिजाइन है, और आपको अगर कोई भी डिजाइन देखना है, तो इससे पहले आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम की. नेक्स्ट आइटम जो कि हम फॉग लैंप, मतलब हम R15 राइडर्स, मतलब मॉडिफिकेशन एसेसरी में लगा सकते हैं. पहले मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारी आइटम्स आती हैं, तो सारी इस वीडियो में कवर करना मुश्किल नहीं होगा. जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो लंबी चलेगी, मेरी चैलेंज में इतनी लंबी नहीं लेके जाता कोई वीडियो, पर ये जा चुकी है. आईडी है आपकी, ये आगे का पीछे का टैग है, नीचे आपके विंगलेट है ये, तो यू कैन यूज एनी ऑल थिंग्स फॉर दिस. तो बहुत सारी चीज़ें आप और यूज़ कर सकते हो फॉर दैट, एंड यू वॉन्ट टू परचेज. आई नो योर ग्रॉसरी लेवल इज ऑन हाई लेवल टू परचेज ऑल दिस थिंग, सो फॉर दैट यू हैव टू कम ऑन माई स्टोर. आई रिपीट अगेन, द स्टोर एड्रेस इज इन द डिस्क्रिप्शन, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन विजिट आवर स्टोर एनी टाइम. एंड आई टेल यू दैट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑल्सो फॉर माई रिटेल राइडर्स टू. ऐसी बात नहीं है होलसेल के तो हूँ ही, लेकिन अपने राइडर्स के लिए भी हूँ. और हमारे क्या बोलते हैं फेसबुक के ऊपर ग्रुप है इंडियन बाइक राइडर्स से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. और एंड उसके बाद हमारे जो क्या बोलते हैं फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. वहाँ पर भी आपको नई मॉडिफिकेशन आइटम्स मिलती रहती हैं, और कुछ अलग अलग मसाले मिलते रहते हैं मेरी पर्सनलाइज से रिलेटेड. और इसके बाद भी अगर आपको यहाँ से संतुष्टि ना मिले, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही, वहाँ जाके हम मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में यू कैन डिस्कस ऑल द थिंग्स. और अगली बाइक के थोड़ी मैं थोड़ी सी यहाँ पर क्यूरियोसिटी और छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में जो छोड़ता हूँ कि अगली वीडियो जो होगी वो सेशन 2 ही चलेगा, और सेशन 2 में हम KTM राइडर्स के लिए बात करेंगे. इसका मतलब हम KTM ड्यूक्स की बात करेंगे, KTM बाइक्स की बात करेंगे, उनकी एसेसरीज की बात करेंगे. सो तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड रिमेंबर वन थिंग दैट माई आइटम्स हैज द वर्थ ऑफ इट्स प्राइस. So guys, meet you in the next video. Tab tak ke liye,